हाल ही में ऐश्वर्या राय 2 साल बाद में अपने फॉरेन ट्रिप पर निकली हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को खूबसूरती का मिसाल माना जाता है। उनके हुस्न को देखकर हर कोई अपना दिल हार ही बैठता है। आखिर वो इस बार क्यों चर्चा में, चलिए बताते हैं। उनका ये जादू पेरिस फैशन वीक 2021 में भी चला। वह एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए रैंप वॉक कर रही थी। उन्होंने व्हाइट ड्रेस में रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। एफिल टावर के सामने खड़े होकर उन्होंने गजब के पोजेस दिए, जिन्हें देखकर हर कोई फिदा हो गया और इनकी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। व्हाइट गाउन में ऐश्वर्या किसी परी से कम नहीं लग रही है और वह मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ कैरी किया हुआ है। उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कई यूजर्स ने तो उन्हें अप्सरा तक कह दिया। ऐश्वर्या की तस्वीरों को लोग जमकर लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। इस फैशन वीक में दुनिया भर के कई और मशहूर हस्तियों ने भी शिरकत की और ऐश्वर्या राय ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों जैसे हेलन मिरेन, कैमिला कैबलो एंड एम्बर हर्ड के साथ भी पोजेस दिए। वायरल वीडियो तस्वीरों में ऐश्वर्या को फ्लोर लेंथ वाले व्हाइट गाउन में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने लहराते बालों और पिंक लिपस्टिक से लुक में चार चांद लगा दिए। उनके रैंप पर आते ही सबकी निगाहें उन्हीं पर थम गई। और अवैध फंड की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन के पास मणिरत्नम निर्देशन पोनिनियन सेल्वन पाइपलाइन में है और इस महाकाव्य को पर्दे पर उनकी बड़ी वापसी के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि उन्हें आखिरी बार जो है फने खां में अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ देखा गया था। अब वो फिर से एक बार फिर से बड़ी एंट्री कर सकती हैं, फिर से कमबैक कर सकती हैं इस शानदार मूवी के साथ।